नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर चक्षु। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूं, थैंक यू बोलना चाहता हूं कि आप लोगों ने हमें YouTube के ऊपर इतना सारा प्यार दिया है। बड़ा अच्छा लगता है जब ना सिर्फ एक आम आदमी बल्कि होम्योपैथिक डॉक्टर्स और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स भी हमसे जुड़ते हैं। हमारी वीडियोस में जो आप लोगों के कमेंट्स आते हैं उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। जब आप हमें धन्यवाद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आपको कुछ लाभ प्राप्त हुआ। और सूर्योदय होम्योपैथी में हमारी शुरू से यही कोशिश रही है कि हम होम्योपैथी की पब्लिक इमेज सुधारने में अपनी तरफ से एक थोड़ा सा योगदान ज़रूर दे पाएँ और आपको सेल्फ मेडिकेशन में, सेफर डोसेज में, रिजल्ट ओरिएंटेड उस तरह का ट्रीटमेंट बता पाएँ जो अगर आप करते हैं तो आपको उससे रिजल्ट्स मिलें और होम्योपैथी के ऊपर आपका विश्वास बढ़ सके। और आप लोगों ने जितना भी प्यार हमें दिया है हम उसके लिए दिल से बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हैं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पर आज आपको हम लेके चलने वाले हैं श्री राधे होम्योपैथी के एक छोटे से टूर पर। श्री राधे होम्योपैथी की स्थापना हुई सन 1987 में जब मेरे फादर ने प्राइवेट प्रैक्टिस करना शुरू करा कॉलेज पास आउट होने के बाद। लेकिन गवर्नमेंट सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज में सिलेक्शन होने के बाद बहुत समय तक जो प्रैक्टिस थी वो फ्लक्चुएटिंग रही, क्योंकि ज़्यादातर समय और ज़्यादातर जिम्मेदारी जो थी ना वो गवर्नमेंट मेडिकल सर्विसेज के जो स्केड्यूल थी उनको देना कंपलसरी था। फिर मेरे पास आउट होने के बाद हम लोगों ने श्री राधे होम्योपैथी को बड़ी मेहनत से एक ब्रांड बनाने में जी तोड़ कोशिश करी और ग्राउंड लेवल के ऊपर बहुत काम करा। लोगों से जो जुड़ाव हुआ हमारा, उसका वो प्यार जो है वो हमें अब लगातार मिलता जा रहा है। कोरोना की वजह से हम YouTube के ऊपर आए तो YouTube पर आप लोगों के साथ जुड़ते चले गए और आप लोगों ने जो प्यार दिया वो बेशुमार है और उसके लिए, जैसा कि मैं पहले भी बोला, हम बहुत कृतज्ञ हैं। तो श्री राधे होम्योपैथी के अंडर में हमारी तीन ओपीडीज आती हैं जो कि बरेली शहर में ही लोकेटेड हैं। हम बरेली शहर के अलावा कहीं और नहीं बैठते। पहली ओपीडी है शर्मा होम्योपैथिक क्लिनिक, जो कि सबसे पहले 1987 में हमारे फादर ने स्थापित करी। अब जो दूसरी ओपीडी है वो है श्री एपी शर्मा मेमोरियल होम्योपैथिक रिसर्च सेंटर, जो कि इस समय बरेली शहर के बीचों बीच सुविधा अस्पताल में रन कर रहा है। और जो तीसरी ओपीडी है ना, वो उन लोगों के लिए है जो ऐसे समाज के वर्ग से आते हैं जिनको हमारी जिम्मेदारी है कि हम न्यूनतम शुल्क पर उन्हें मेडिकल सर्विसेज एक अच्छी क्वालिटी की प्रोवाइड कर सके। तो जो चैरिटेबल ओपीडी है वो चलती है हमारी शुभम चैरिटेबल फाउंडेशन में। हमारे परिवार में हम तीन डॉक्टर्स हैं, मेरे फादर डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा, मैं खुद डॉक्टर चक्षु मिश्रा और मेरी वाइफ डॉक्टर शिप्रा मिश्रा। हम तीनों लोग मिलकर श्री राधे होम्योपैथी में पूरी मेहनत करते हैं कि होम्योपैथी का नाम खराब ना हो और लोगों को हम सही समय पर होम्योपैथी से बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स दे सके। तो चलिए लेके चलते हैं आपको हमारे तीनों ओपीडीज के टूर पर।
राकेश जी और शालिनी जी, और मेरा समर्पण है और यही भाव है कि जब जो भी सेवा लेने आ रहे हैं ईश्वर उनमें एक दैविक भौतिक ताप जितनी भी उनकी बीमारियां हैं वो दूर हो, प्रसन्नता से जाए, आंसू लेके आते हैं वो लोग, वो खुश होके जाते हैं तो बड़ी हृदय प्रसन्न होता है क्योंकि चारों तरफ दर्द और दुख बिखरा हुआ है, तो उसमें अगर हम लोग ये क्षण भी प्रसन्नता दे पाए यही हमारा प्रयास है, यही शुभम चैरिटेबल का प्रयास है, यही हमारी भावना है। जो पेशेंट का एक अच्छा सही हो, हमारी यही भावना रहती है कि उनकी सेवा सही से करना हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, और हमने डॉक्टर साहब की प्रेरणा से ही ये सब कुछ बनाया है और डॉक्टर साहब का पूरा सहयोग और समर्पण इसमें रहता है, और हम लोगों का यही प्रयास है कि जो भी पेशेंट या जो भी गरीब लोग परेशान हो गए हैं हम उनकी सेवा कर पाए, यही हमारा ध्येय, यही हमारा उद्देश्य है। अब जैसा कि आपने देखा, शुभम चैरिटेबल फाउंडेशन से हमें बेहद लगाव है। हमने इस फाउंडेशन के थ्रू कोशिश करी है कि हम समाज के उस वर्ग तक पहुंच पाए जिनको वास्तव में एक न्यूनतम शुल्क पर इलाज की बेहद आवश्यकता है। हमारा फिजियोथेरेपी सेंटर जो शुभम चैरिटेबल फाउंडेशन में है वो पूर्णतः निःशुल्क है, वहाँ पर एक भी पैसा किसी भी मरीज से नहीं लिया जाता है। जो हमारी चैरिटेबल होम्योपैथिक डिस्पेंसरी है उसमें भी बहुत ही न्यूनतम सिर्फ दवा का शुल्क लिया जाता है, किसी भी मरीज से डॉक्टर को दिखाने की कोई भी फीस नहीं ली जाती है। और जो हमारा आई सेंटर है जो शुभम चैरिटेबल फाउंडेशन के अंदर में आता है, वहाँ बहुत ही न्यूनतम शुल्क पर बहुत सारे आँखों के ऑपरेशन किए जाते हैं, और आँखों की मरीजों के लिए जो भी सेवाएँ एक न्यूनतम शुल्क पर दी जा सकती है उसे देने की पूर्णतः कोशिश की जाती है। ये जो भावना है सेवा की, इस सेवा की भावना के पीछे जो तीन लोग को आपने सुना, मेरे फादर महेश अंकल एंड शालिनी आंटी जिनकी बातें आपने सुनी, ये इन्हीं तीनों लोगों की एक भावना है जिसके थ्रू शुभम चैरिटेबल फाउंडेशन को हम बरेली शहर के अंदर चला पा रहे हैं और लोगों को सेवाएँ दे पा रहे हैं। अब जो हमारा ये परिवार है जो हमसे इतना लगाव रखता है, हमें इतना प्यार करता है, हम पर इतना विश्वास करता है, तो उसके विश्वास पर खरा उतरना हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और जो लोग हमसे व्यक्तिगत परामर्श चाहते हैं ना, जो YouTube पर कमेंट्स लिख देते हैं, मैं आपको बता दूं हमारे यहाँ एक बहुत क्लियर कट रूल है कि बिना मरीज को देखे, बिना मरीज से बात करें हम किसी भी तरह की दवा मरीज को नहीं बताते, क्योंकि ये एथिकली गलत है। जब तक आप मरीज को समय नहीं देंगे आप मरीज का इलाज नहीं कर सकते। हाँ, जो ज़रूरतमंद है, जो उनके पास पैसे नहीं हैं, जो किसी भी तरह से परेशान हैं, उनके लिए शुभम चैरिटेबल फाउंडेशन के दरवाजे हमेशा खुले हैं। आप आएँ, हम न्यूनतम शुल्क पर, इनफैक्ट अगर आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं हम फ्री में भी आपका इलाज करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। लेकिन अगर आप ज़रूरतमंद नहीं हैं और आपको एक होम्योपैथिक परामर्श चाहिए, अपनी बीमारी से संबंधित आप होम्योपैथिक ओपिनियन लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि होम्योपैथी मेरी मदद करे और मुझे पूरी तरह से स्वस्थ करने में पूरी 100% एफर्ट के साथ कोशिश करें, तो आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट है कि आप व्हाट्सएप के ऊपर 6398277532 पर मेरे स्टाफ से संपर्क करें। आप नॉर्मल कॉल भी कर सकते हैं, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे के बीच में, जिस भी दिन का आपको समय मिलेगा अपॉइंटमेंट के बाद, उस समय आपसे उस दिन बात की जाएगी। थोड़ा डिले हो सकता है मेरे स्केड्यूल के हिसाब से, लेकिन जिस दिन का अपॉइंटमेंट मिलता है ना मरीज़ को, कोशिश होती है कि हम उस दिन मरीज से बात कर सकें। और हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि हम आपको दवा का पर्चा हाथ में दें कि भैया आप जहां से चाहें वहां से दवा खरीदें। सिर्फ आपसे एक ही दरख्वास्त है कि हमारा जो एम है ना वो है क्वालिटी को मेंटेन करना। हम चाहते हैं कि होम्योपैथी की पब्लिक इमेज सबसे ऊपर रहे और लोगों को ट्रस्ट हो कि होम्योपैथी काम करती है, ये एक साइंस है। तो आपका जुड़ाव, आपका प्यार हमारे साथ इसी तरह बना रहे, हम इसी तरह जन सेवा करते रहें, लोगों का ट्रीटमेंट करते रहें, होम्योपैथी का नाम ऊंचा करते रहें, इसी आशा से इस वीडियो को विराम देते हैं। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू एंड जय हिंद।